हेलो माय डियर एरीज, आज की रीडिंग है एरीज के लिए। सन मून राइजिंग किसी भी वे से अगर आप एरीज से मेष राशि से कनेक्टेड हो तो ये रीडिंग आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसमें हम चेक करने वाले हैं सितंबर 2024 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ऑलराइट, विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रीडिंग आप खुद के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए चेक कर सकते हैं या फिर उन्हें सेंड कर सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जीज को फ्रेंड्स एक्सचेंज करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि आप लोगों की एनर्जीज क्या हैं, कैसी एनर्जीज रहेंगी सितंबर में। ओम गौरी शंकराय नमः। एरीज के बारे में, सितंबर 2024 के बारे में बेस्ट से बेस्ट क्लैरिटी, एडवाइस एंड आंसर्स प्रोवाइड करें यूनिवर्स। द थिंकिंग वुमेन, एरीज ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे प्लान्स हैं फ्यूचर को लेकर, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो एंड काफ़ी कुछ क्रिएट करना चाहते हो। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है एंड आप बार बार सोच सोच कर परेशान हो रहे हो कि कब ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवर होगी एंड कब अच्छा टाइम शुरू होगा। एंड ऐसा लग रहा है कॉर्नू कॉपला जो है बेस्ट कार्ड है फॉर यू इन द मंथ ऑफ सितंबर। आई एम श्योर कि आप लोग ना सितंबर में अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको पीछे छोड़कर अपने लाइफ में अबंडेंस एंड ग्रोथ अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप में से बहुत सारे लोग ना फेस कर रहे थे फाइनेंशियल क्राइसिस को, जॉब नहीं मिल रही थी, कहीं कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे, या काम आपका बंधा हुआ था, किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया था, काम रुका हुआ था, स्टक था, इन्वेस्टमेंट्स की थी बट अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, करियर में सक्सेस नहीं मिल रही थी और बल्कि बहुत टाइम से फेलियर चल रहे थे, तो फाइनली सितंबर ऑनवर्ड्स माय डियर एरीज ऐसा लग रहा है कि आपका गुड लक आपके फाइनेंस में आपका साथ देगा, आपका भाग्य उदय हो रहा है इस मंथ में। थ्रॉट चक्रा, मेरे भी थ्रॉट चक्रा पे एकदम से प्रेशर आया है इस रीडिंग के ड्यूरिंग एंड आप लोगों का भी थ्रॉट चक्रा आया है। ऐसा लग रहा है बहुत कुछ मन में है जो आप खुलकर बोलोगे, एक्सप्रेस करोगे और अपने गुड कम्युनिकेशन स्किल से आप अपने आसपास के लोगों को काफ़ी इम्प्रेस करोगे एंड अट्रैक्ट करोगे इस मंथ में। वहीं अगर आपको किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है एंड बहुत टाइम से आप वो गुस्सा पी रहे हो सकता है इस मंथ आपका गुस्सा उस पर बरस जाए। पेशेंस की एनर्जीज है एरीज, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत धैर्यवान हो, बहुत आपने लाइफ में सब्र से और धैर्य से काम लिया है, ठीक है। एंड ऐसा भी लग रहा है फाइनली आपके धैर्य के, सब्र के रिजल्ट अच्छे मिलने वाले हैं। आप लोगों की इंट्यूशन इस मंथ बहुत स्ट्रांग रहेगी, थ्रॉट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन चलेंगे एंड आर्केंजल गैब्रियल, आर्केंजल मेटाट्रॉन की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स रहेंगी। ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है, एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है, आप लोग किसी फैमिली फंक्शन में जाकर गेट टुगेदर कर सकते हो, अपना बर्थडे, किसी और का बर्थडे या किसी पार्टी को ऑर्गेनाइज कर सकते हो या किसी की पार्टी अटेंड कर सकते हो जिसमें आप बहुत सारे मज़े करने वाले हो। तो इस मंथ में पार्टीज़, डेटिंग, एंगेजमेंट और सेलिब्रेशन की एनर्जीज है। कोई तो गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है जिसको आप अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करोगे एंड सेलिब्रेट करोगे। एरीज, आप में से कुछ लोगों की एज 40
39, 37, 47 हो सकती है। कुछ लोगों के लिए नंबर्स 2, 11, 29, 20, 7, 16, 25 and 4, 22, 13, 31, 9, 18, 27 ये नंबर्स और डेट्स आप में से कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट हो सकती है। अब हम चेक कर लेते हैं टैरो से क्या आ रहा है एरीज के लिए। एरीज ऐसा लग रहा है इस मंथ आप बहुत ही हार्ड वर्क करोगे अपने फाइनेंसेस पर, करियर पर एंड आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो ये मंथ आपका ओवरऑल अबंडेंट रहेगा, करियर के भी हिसाब से स्टेबल रहेगा और ग्रोथ भी आपको मिलेगी। वाओ अमेजिंग। लव लाइफ और रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग भी अगर मैं चेक करूं तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ रोमांटिकली फिज़िकली बहुत इंजॉय करने वाले हो, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो, इंटीमेट होने वाले हो एंड कहीं घूम कर बाहर आने वाले हो। अगर आप लोग टोटली सिंगल हो तो आप किसी सोलमेट को अट्रैक्ट करोगे जिसके साथ आप तुरंत रिलेशनशिप में आ जाओगे, चांसेस आर सो मच हाई। एंड अगर आप इस टाइम कोई स्टेबल कनेक्शन नहीं चाह रहे तो भी हो सकता है कि आपको एक अच्छा पैशनेट जोन मिल जाए, अच्छी सिचुएशनशिप मिल जाए, उसके चांसेस एरीज काफ़ी स्ट्रांग आ रहे हैं। जस्टिस, ऐसा लग रहा है इस मंथ में आपके लिए कोई डिवाइन जस्टिस आ रहा है, कोई कोर्ट का केस है, कोई लीगल मैटर है जिसका फैसला आपके फेवर में हो सकता है। आपकी हेल्थ को लेकर चेक करते हैं ये मंथ कैसा रहेगा माय डियर एरीज। हेल्थ को लेकर भी ये मंथ मोर देन ऑसम रहेगा एंड जो आप चाहोगे, जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो आप पाओगे। इस मंथ आपकी प्रेयर्स मैनिफेस्टेशंस बहुत स्ट्रांग रहेंगी, आप बहुत होपफुल रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे। लेकिन स्टिल शुरुआत हुई थी द थिंकिंग वुमेन से और एंड हो रहा है एंग्जाइटी से। सब कुछ ठीक करने के बाद भी, ठीक चलने के बाद भी अगर मन बेचैन रहे, परेशान रहे, ओवरथिंकिंग करते रहो तो वो कहलाती है एंग्जाइटी। तो आप लोगों को कुछ तरह के एंग्जाइटी इश्यूज डिस्टर्ब कर सकते हैं इस पूरे पूरे मंथ में। ऑलराइट, हम चेक कर रहे हैं आपके लिए क्या गाइडेंस और एडवाइस है। ठीक है एरीज़, ये रीडिंग कैसी लग रही है, पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम करें। ठीक है एंड फॉर मोर क्लैरिटी, बिकॉज ये जनरल है तो ज़रूरी नहीं है पूरी सबसे रेजोनेट करे। ठीक है कुछ लोगों से पूरी करेगी, कुछ लोगों से कुछ करेगी और कुछ लोगों से हो सकता है कुछ भी रेजोनेट ना करें। तो आप लोग ज़्यादा क्लैरिटी के लिए फ्रेंड्स ईजिली व्हाट्सएप कर पर्सनल रीडिंग्स मेरे साथ बुक करा सकते हो। ऑलराइट, मेरा व्हाट्सएप नंबर, रीडिंग्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आराम से जाएं, चेक करें। लव रिलेशनशिप करियर हेल्थ वेल्थ किसी भी चीज़ में लाइफ में कंफ्यूजन है, रेमेडीज गाइडेंस एडवाइस रीडिंग्स डिटेल में चेक करवा कर आप रेमेडीज गाइडेंस और एडवाइस को फॉलो कर अपनी लाइफ में ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हो। ठीक है अब हम चेक कर रहे हैं एरीज के लिए एंजल मैसेजेस और गाइडेंस क्या है। फाइनली वी विल चेक आपके लिए रेमेडी क्या है जो इस पूरे मंथ में आपके लिए वर्क करेगी। एरीज यस, कुछ तो आपके मन में है जो बहुत टाइम से चल रहा है और डिवाइन कह रही है यस वो काम होगा और होने वाला है बहुत ही जल्दी और इस मंथ में यस की एनर्जी है। बिग हैप्पी चेंजेस आप अट्रैक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर बिल्कुल भी ड्यूअल राय नहीं है कि इस मंथ में लक आपके टोटली साइड है, भाग्य उदय है, भाग्य आपके फेवर में है एंड ये मंथ पूरे साल का अब तक पूरे साल में सबसे लकीएस्ट मंथ रहेगा आपके लिए। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि भर कर आपको सब मिल रहा है बट आप कितना ग्रैप करते हो। ऑलराइट, इन द नियर फ्यूचर सब काम बनेंगे। ऑलराइट एंड फाइनली रिकवरी, अगर हेल्थ को लेकर कुछ लोग परेशान हैं फैमिली की आसपास के लोगों की तो उसमें भी रिकवरी आएगी। अब बात करते हैं रेमेडी की। अपनी लाइफ में एरीज रेड कलर आपको ऐड ऑन करना है। ऑलराइट, रेड कपड़े, रेड रबर बैंड, बैंगल्स, ब्रेसलेट कुछ भी आप लोग ऐड कर सकते हो।
इसके अलावा अगर आप में से कुछ लोग बिलीव करते हैं श्री हनुमान जी में, तो हनुमान चालीसा की चैंटिंग रोज करो, राम 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 का जप रोज करो, अर्ली मॉर्निंग उठकर वॉक डेली करो, एंड इनमें से जो भी रेमेडी आपको अट्रैक्ट कर रही है, अच्छी लग रही है, वही आपको करनी है। सारी रेमेडीज करने की नीड नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एरीज, मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।